वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, T20 क्रिकेट का सबसे ज़्यादा खेले जाने वाला फॉर्मेट है। T20 में बैट्समैन एग्रेसिव स्टाइल और हाई स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं और बहुत तेज़ी के साथ रन्स बनाते हैं। इस वजह से ऐसे बॉलर्स को ज़्यादा पसंद किया जाता है जिसके पास बॉलिंग के वो सब हुनर हों, जिससे ये अच्छे अच्छे बैट्समैन को आसानी से शिकार कर सके। आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के 10 बेहतरीन बॉलर्स के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट्स हासिल की हैं, और दुनिया की अच्छी अच्छी बैटिंग लाइन इन बॉलर्स के सामने बेबस नज़र आती हैं। नंबर 10, शाहिद आफरीदी। शाहिद आफरीदी के बारे में तकरीबन हर वो क्रिकेट लवर जानता है जो कि क्रिकेट से प्यार करता है। गेंदबाजों की इज्जत लूटनी हो या हुटिंग करनी हो, आफरीदी हर चीज़ में आगे थे। ये अपनी धुआंधार बैटिंग और जादुई बॉलिंग की वजह से दुनियाए क्रिकेट में लाला के नाम से जाने जाते हैं। ये एक लेग ब्रेक बॉलर थे और गजबनाक गुगली गेंद का इस्तेमाल करके अच्छे अच्छे बैट्समैन को भी अपना शिकार बना लेते थे। शाहिद आफरीदी ने 97 T20 इनिंग्स में बेहतरीन 98 विकेट्स हासिल की थी। ये T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट्स हासिल करने वाले पाकिस्तान के दूसरे बॉलर हैं। नंबर 9, संदीप लैमी चाने। संदीप लैमी चाने नेपाल से ताल्लुक रखने वाले एक बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। ये एक लेग ब्रेक बॉलर है, मगर उसका सबसे खतरनाक हथियार गुगली गेंद है, जिसकी वजह से ये बैट्समैन को आउट होने पर मजबूर कर सकता है। ये वनडे क्रिकेट की तारीख में तेज तरीन 100 विकेट्स हासिल करने वाले दुनिया के पहले बॉलर हैं। संदीप लैमी चाने ने 52 T20 मैचों में 98 विकेट्स हासिल की हैं। उनका शुमार दुनिया के बेहतरीन गुगली मास्टर्स में होता है। नंबर 8, शादाब खान। शादाब खान पाकिस्तान के यंग और मोस्ट टैलेंटेड ऑलराउंडर हैं, जिनका शुमार दुनिया क्रिकेट के सबसे खतरनाक गन फील्डर्स में किया जाता है। ये एक लेग ब्रेक गुगली बॉलर है जो गेंद को गुड लाइन और लेंथ में स्विंग और गुगली करके अच्छी अच्छी बैटिंग लाइन को तबाह बर्बाद कर सकता है। शादाब खान ने अब तक 92 T20 मैचों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है और 104 विकेट्स हासिल की हैं। शादाब खान T20 में सबसे ज्यादा विकेट्स हासिल करने वाले पाकिस्तान के पहले बॉलर हैं। नंबर 7, मुस्तफिजुर रहमान। दोस्तों, नंबर 7 पर हमारी फहरिस्त में एक बांग्लादेशी टाइगर मुस्तफिजुर रहमान हैं, जो कि 2015 से बांग्लादेश के लिए क्रिकेट खेल रहा है और इस वक्त दुनिया के बेहतरीन फास्ट बॉलर्स में से एक है। उनके पास गेंद को स्विंग, यॉर्कर, ऑफ कटर और लेग कटर जैसी सब सलाहियतें हैं, जिनसे ये आसानी से विकेट हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। मुस्तफिजुर रहमान ने 88 T20 मैचों में 105 विकेट्स हासिल की हैं। नंबर 6, आदिल रशीद। दोस्तों, आदिल रशीद इंग्लैंड के एक जादूगर स्पिन बॉलर हैं, जिन्होंने आजकल के नामवर बल्लेबाजों की नाक में दम कर रखा है। उन्होंने अपनी गजबनाक बॉलिंग के दम पर इंग्लैंड को एक T20 वर्ल्ड कप और एक वनडे वर्ल्ड कप भी जितवाया है। उनकी स्विंग और गुगली गेंदों के सामने बैट्समैन चकरा कर ही आउट हो जाते हैं। आदिल रशीद ने अब तक 104 T20 मैच खेले हैं, जिनमें शानदार 107 विकेट्स हासिल कर चुका है। नंबर 5, लासित मलिंगा। लासित मलिंगा श्रीलंका के साबिक और खौफनाक फास्ट बॉलर हैं। उनका बॉलिंग एक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग था और उनके स्पीडी और तबाहकुन यॉर्कर अच्छे अच्छे बैट्समैन के लिए डरावना ख्वाब माने जाते थे। उनके पास ओवर में 6 की 6 गेंदों पर यॉर्कर करने की काबिलियत थी। यही वजह है कि इनको द यॉर्कर किंग लासित मलिंगा कहा जाता है। उन्होंने अपने कैरियर में 84 T20 मैच खेलकर 107 विकेट्स हासिल की थी। उनका शुमार श्रीलंका के ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर्स में होता है। नंबर 4, ऐश सूधी। ऐश सूधी न्यूजीलैंड के प्रोफेशनल क्रिकेटर और लेग ब्रेक बॉलर हैं। ये तीनों फॉर्मेट्स में केविस टीम की नुमाइंदगी करता है। उन्हें मौजूदा दौर के खतरनाक गुगली मास्टर्स में से एक माना जाता है। उन्होंने 106 T20 इनिंग्स में अब तक 127 विकेट्स हासिल कर लिए हैं और अभी उनके पास काफ़ी क्रिकेट बाकी है।
ये मुस्तकबिल में T20 के हाईएस्ट विकेट टेकर बॉलर बन सकते हैं। नंबर 3, राशिद खान। राशिद खान अफगानिस्तान की सरजमीन से पैदा होने वाले एक खतरनाक स्पिन बॉलर हैं, जो कि बॉलिंग और बैटिंग दोनों से अफगानिस्तान के लिए क्रिकेट की जंग लड़ता है, मगर अपनी गजबनाक स्पिन बॉलिंग की वजह से जाने जाते हैं। उनका सबसे खतरनाक हथियार गुगली गेंद है, जिससे ये बैट्समैन को प्रेशराइज करके आउट होने पर मजबूर कर देते हैं। राशिद खान ने अब तक 92 T20 इनिंग्स में 130 विकेट्स हासिल की हैं। उनका शुमार दुनिया के सबसे खतरनाक स्पिन बॉलर्स में होता है। नंबर 2, शाकिबुल हसन। शाकिबुल हसन बांग्लादेश के मौजूदा कप्तान और बेहतरीन ऑलराउंडर हैं। उन्होंने अपनी धुआंधार बैटिंग और जादुई बॉलिंग से बांग्लादेश को बहुत से मैच जितवाए हैं। ये 16 साल से क्रिकेट की दुनिया में राज कर रहे हैं और टेस्ट, वनडे और T20 तीनों फॉर्मेट्स में दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर हैं। उन्होंने अब तक 117 T20 मैच खेले हैं, जिनमें 140 विकेट्स हासिल कर चुका है। ये T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट्स हासिल करने वाले दुनिया के दूसरे बॉलर हैं। नंबर 1, टीम साउथी। टीम साउथी न्यूजीलैंड के लेजेंड और सबसे तजर्बाकार फास्ट बॉलर हैं। ये गेंद को दोनों तरफ स्विंग करने की महारत रखता है और उनके पास फास्ट बॉलिंग के वो सब हुनर हैं, जिनसे ये किसी भी बैटिंग लाइन को टक्कर दे सकता है। उन्होंने 2010 में पाकिस्तान के खिलाफ T20 मैच में हैट्रिक करके दुनियाई क्रिकेट में खतरे की घंटी बजा दी थी। टीम साउथी ने 118 T20 इनिंग्स में 151 विकेट्स हासिल की हैं। ये T20 में सबसे ज़्यादा विकेट्स हासिल करने वाले दुनिया के पहले बॉलर हैं। दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 बेहतरीन बॉलर्स जिन्होंने T20 में सबसे ज़्यादा विकेट्स हासिल की हैं। इनमें से आपका कौन सा फेवरेट है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट। Also subscribe our channel for more cricket videos.